पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के तहत बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कार्यरत हलवाई, रसोईया, किराना दुकानदार, टेंट बर्तन दुकानदार समेत दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने बकाया मजदूरी की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को आवेदन दिया। शनिवार के दिन दो दर्जन दुकानदार एवं मजदूर जिला समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारी को आवेदन दिया। मौके पर बर्तन दुकानदार श्याम साल लहेरी, किराना दुकानदार रवि कुमार, राकेश कुमार, हलवाई गौतम कुमार मौजूद रहे। 25 से 40 लाख रुपया सर बकाया है, मेरा निजी 10.5 लाख रुपया बकाया है सर। हमने सभी सेंटर पे खाद्य सामग्री दिया है। सीओ साहब और नाजिर साहब दोनों मिलकर मेरे दुकान पर आए थे, 1.5 लाख का सामान बात हुई थी सर। धीरे धीरे मेरा 10.5 लाख का बकाया हो गया। मेरा सारा जेवर एवं महाजन का तगादा डेली है सर, जेवर भी मेरा बंधक है सर। उसके बाद जब सीओ साहब के पेमेंट के लिए गए, रोज टाल मटोल कर रहा है सीओ साहब और स्थानीय प्रशासन से तंग आने के बाद हमने आज फैसला किया कि डीएम साहब के यहाँ जाना है। हम लोग सभी व्यवसायी मिलकर डीएम साहब के यहाँ मिलने आए थे, लेकिन बकरीद पर्व होने के कारण सर यहाँ ऑफिस और ये बंद था। तो मैंने गोपनीय शाखा में सभी का दरखास्त दे दिया सर, और DCLR साहब से भेंट हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक पेमेंट हो जाएगा। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मेरा निजी 10.5 लाख बकाया है। दिए हुए थे नाजिर जी को और आपका सीओ साहब को, कल हमको बुलाया था, बोला बर्तन का पैसा 80,000 रुपया, उसमें हम कहाँ से पैसा देंगे उतना। बोलिए, जबकि हम बोले कि 6 लाख रुपया बर्तन का आया हुआ है, बोला आपको कैसे मालूम है, पूरी दे देंगे। मगर माना नहीं सर, आज बुलाया था, आज नाजिर आया नहीं, हम लोग यहाँ गुस्सा करके डीएम के पास में बाका आए हुए हैं। पैसा देने में टाल मटोल, हाँ पैसा आजकल कर रहे हैं सर, इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है सर, ब्याज में टका सब ले दे सके। मानव श्याम सर लहरी, सफाई टेंट पूरा लगा के मेरा सर 5.5 लाख हुआ, उसमें 36,000 रुपए हमको दे के सर टाल मटोल कर रहा है, मांगने जाते हैं हमसे 20% मांगा जा रहा है, उसमें सर पूरा गाली गलौज कर रहा है, और कभी उरे बात बोलता है, कभी बोलता है जेल भेज देंगे, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत गलत व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है।